हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली फाइन। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग। तो अभी मैंने स्क्वायर ऑफ अ पोजिशन अपलोड कर दिया था क्योंकि ये मैं सीरीज यहाँ पे रन कर रही हूँ, बट इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंटेक्सट ऑफ यूजीसी नेट। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे क्वेश्चंस ज़्यादातर फंस जाते हैं एंड ये थोड़ा सा आपका बेसिक सी चीज़ होती है लॉजिकल रीजनिंग में, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा अगर आपके लिए कंसेप्ट नया, हम पूरा इसको आने वाले 30-35 मिनट में अच्छे से कवर करेंगे। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे और आप एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। ओके, सो आगे बढ़ूँ। आई हैव एन इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल दैट अन अकेडमी इज एक्साइटेड टू अनाउंस द मल्टीपल बैचेस फॉर NTA UGC नेट जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 22 दिसंबर से, और ये आपकी मदद करेंगे NTA UGC नेट को क्रैक करने में, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में और आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। तो इन सारे बैच कोर्सेज में टॉप एजुकेटर्स आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पेपर वन का भी और पेपर टू का भी। और ये सारे कोर्सेज ऐसे क्यूरेट किए गए हैं कि इसमें स्ट्रैटेजी, टिप्स, ट्रिक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स सब आपको बताया जाएगा फॉर नेट एंड JRF 2021। सो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड या यहाँ पे आपको पूरे प्राइस टैग दिख रहे हैं। तो एक ही घंटा बचा है और अगर आप प्राइस हाइक से बचना चाहते हैं तो आप अभी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्सो 10% ऑफ लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, निहारिका जायसवाल। निहारिका जायसवाल कोड जब आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और इससे आप अपकमिंग प्राइस हाइक को बीट कर पाओगे और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। सो आई होप आई एम क्लियर। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑल्सो वी हैव क्लासेस फॉर NTA UGC नेट, यहाँ पर आप अपने घर बैठकर आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं UGC नेट के लिए। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं पेपर वन, कॉमर्स और मैनेजमेंट पे। तो मतलब आपका कॉमर्स या मैनेजमेंट है तो आप पूरा हमारा ले सकते हैं पेपर वन प्लस पेपर टू, बट इन केस आपका हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कुछ कोई और सब्जेक्ट है अदर देन कॉमर्स मैनेजमेंट, तो सिर्फ आप हमारा पेपर वन का भी ज्वाइन कर सकते हो। सो डेमो लेक्चर्स अपने बुक करने के लिए या सीधा रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो niharikajaiswal.com या फिर कॉल व्हाट्सएप कर लो 7839575509 पे। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करते यू विल बी गेटिंग PDF नोट्स सारे यूनिट की, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, उन PDF नोट्स को एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको। पर्सनल कोचिंग यहाँ पे देते हैं, दैट मींस क्योंकि मैंने एग्जाम 3 बार खुद क्वालिफाई किया है तो मैं ही आपको पर्सनली ट्रेन करती हूँ टू क्वालिफाई UGC नेट। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ऑनलाइन है तो फिर कैसे पढ़ाई होगी, हम आपको एक एज एन पर्सनल कोचिंग प्रोवाइड करेंगे अपने घर बैठे ही। एंड मॉक टेस्ट दिया जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आपको एक एग्जाम का फील है और आप अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को पहचान पाओ। एंड स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको मिलेंगी हर एक यूनिट को कैसे अप्रोच करना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो मिले हो और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें, सारे तरह तरीके के स्टडी मटेरियल मिल जाएं। जैसे कि हमारा मोटो है ऑल UGC नेट स्टडी मटेरियल एट वन प्लेस, सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे एंड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है हमारा कोर्स। दैट मीन्स कि अगर आपने एक बार रजिस्टर किया है तो आपको 6 महीने बाद फिर से करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करेंगे बट इफ गॉड फॉरबिड कुछ चीज़ गलत हो जाती है, आप नहीं दे पाते हैं, तो आपको दोबारा एनरोल करने की जरूरत नहीं है। यू एनरोल वंस एंड आप जब तक आपको क्वालिफाई नहीं होता तब तक आप हमारे साथ रह सकते हो। सो अगेन डेमो लेक्चर्स और रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट अवर वेबसाइट niharikajaiswal.com या फिर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 7839575509 पे। नाउ लेट्स हैव अ लुक इन टू टूडेज वीडियो एंड आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का। सो लेट्स बिगिन गाइज। टुडे वी विल बी स्टडिंग लॉजिकल रीजनिंग। छोटू सा बताऊंगी लॉजिकल रीजनिंग क्या है, बिकॉज ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग से। बट अगेन ये दोनों कहाँ से आई हैं इसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई थिंक वी आर रेडी टू बिगिन, लेट्स गो। सबसे पहला है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आप इसको सिर्फ लॉजिक भी बोल सकते हो फॉर शॉर्ट, इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्किल्स ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग। इट वर्क्स बाय रेजिंग क्वेश्चंस लाइक, नाउ
लॉजिकल रीजनिंग क्या है? एक फंडामेंटल स्किल है ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग. हाउ यू थिंक, आप कोई लॉजिक लगाते हो ना व्हेन एवर यू नो आप बात करते हो किसी से या आपका किसी के साथ कन्वर्सेशन होता है, या मेरे लॉजिक से अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सो आप किसी भी चीज को ऐसे ही यू नो हवा में नहीं बोल देते. आप उसके पीछे एक लॉजिक लगाते हैं कि मेरे लॉजिक से ये ऐसी चीज होनी चाहिए, या मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया और मेरा काम बन गया. तो ये एक फंडामेंटल स्किल होती है, एक बेसिक स्किल होती है इफेक्टिव थिंकिंग के लिए, कि आपका जो सोचना है वो एक इफेक्टिव हो जाएगा, वो एकदम हवा में नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. आप कुछ भी एक सोल्यूशन प्रॉब्लम का निकालेंगे तो वो क्या होगा, किसी ना किसी लॉजिक पे बेस्ड होगा. सो ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग में हम लोग यही सोचने का काम करते हैं, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, अगर ये ऐसे हुआ तो ऐसा क्यों हुआ. सो इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है, इट वर्क्स बाय रेजिंग क्वेश्चंस लाइक इफ दिस इज ट्रू व्हाट एल्स मस्ट बी ट्रू. अगर ये सच है तो और क्या सच हो सकता है. आपने देखा होगा सीआईडी में आता था, एसीपी प्रद्युमन होते थे, दया कुछ तो गड़बड़ है ऐसे बोलते थे ना, तो वो क्या लॉजिक लगाते थे, अगर वो लॉजिक नहीं लगाएंगे तो उनका केस ही नहीं सॉल्व होगा, है ना. क्यों कैसे बोलते थे, दया कुछ तो गड़बड़ है, मैं ऐसे कर नहीं पाऊंगी. बट मैंने देखे ऐसे सीरियल्स बहुत पॉपुलर, आपने भी देखे होंगे. सो क्या है कि दया कुछ तो गड़बड़ है, सो वो सोचते कि अगर ये एविडेंस है, अगर ये बंदा सच बोल रहा है तो और क्या सच हो सकता है. इफ दिस इज ट्रू व्हाट एल्स इज प्रोबेबली ट्रू. ना एक होता है कि कुछ तो और सच होगा, एक प्रोबेबल मतलब हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, प्रोबेबल चांसेस है, कुछ और भी सत्य हो सकता है. इफ दिस इजंट ट्रू व्हाट एल्स कांट बी ट्रू, अगर ये सत्य नहीं है तो और क्या भी है जो सत्य नहीं हो सकता है. मतलब ये आपको थिंकिंग पे मजबूर करता है, राइट. आपका यू नो एक लॉजिक, अब आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो कोई लॉजिक होगा ना उसके पीछे. ऐसा तो है नहीं, अरे मेरे फ्रेंड दे रहा था तो मैंने भी सोचा मैं भी खाली बैठा हूं मैं भी दे दूं. तो यहाँ पे क्या आपने इफेक्टिव थिंकिंग की नहीं की, आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया. आपका अगर लॉजिक तब होगा जब यू विल थिंक लाइक ओके, मैं एज अ टीचर, मैं एज अ प्रोफेसर वर्क करना चाहता हूँ, मैं हायर एजुकेशन में एंटर करना चाहता हूँ, मैं डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाना चाहता हूँ, या मेरा रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, और मुझे अपनी पीएचडी करनी है, उस पीएचडी के लिए मुझे फंडिंग भी चाहिए होगी, तो मेरा जो मैं किसके लिए एलिजिबल, मेरे लिए क्या अच्छा होगा, मेरे लिए जेआरएफ अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि उसमें मैं क्या करूंगा, मुझे पीएचडी करने को मिलेगी, अच्छे उसमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा, और साथ साथ यू नो मुझे स्कॉलरशिप भी मिलेगी. तो इसलिए मैं यूजीसी नेट करना चाहूंगा, और मुझे इंटरेस्ट भी है रिसर्च में, मैं आगे यू नो रिसर्च भी करना चाहता हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, मेरे पास ये सारी स्किल्स है, तो इसके लिए मैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एप्ट हूँ. तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इफेक्टिव थिंकिंग की कि नहीं की. आपने एक लॉजिक लगाया कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा या कर लूंगी. अब मैंने भी लॉजिक लगाया कि यूजीसी नेट एग्जाम मुझे देना है, तो मतलब जैसे कि मैंने भी जो रीजंस दिए कि मुझे फंडिंग चाहिए थी अपनी पीएचडी के लिए, एडमिशन चाहिए था अच्छा सा, एंड देन मुझे अपने हिसाब से काम करना था. जैसे कि मैं अभी मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहाँ पे मुझे एक फ्रीडम अलाउ है अपने हिसाब से काम करने की विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च, राइट. मुझे अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी वहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड कर सकती हूँ, मतलब मेरे ऊपर एज इन कोई बाउंड्री नहीं है. तो यू नो ये कुछ ऐसा मैंने लॉजिक लगाया, एंड देन ऑब्वियसली कि ये मुझे आगे रन में फायदा करेगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो मैंने कुछ ऐसे हवा में नहीं लगाया, मैंने लॉजिक लगाया. सो दैट इज व्हाट यू कॉल एज लॉजिकल रीजनिंग. आपको सोचने पे मजबूर करता है टू इफेक्टिव थिंकिंग. तो ये हमारे काम का नहीं है, मतलब इससे क्वेश्चंस नहीं आते. लॉजिकल रीजनिंग है तो, बट बेसिक क्या लॉजिकल रीजनिंग है उससे क्वेश्चंस नहीं आते. ये तो मैंने आपको एक थोड़ा सा यू नो बैकग्राउंड दिया, रिसर्च में अभी पढ़ा था पहले कि आपको बैकग्राउंड देना जरूरी है प्रॉब्लम का. तो यहाँ जो प्रॉब्लम है मैंने आपको छोटा सा बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है ना. अब हम पढ़ेंगे कि देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग. ये हमारे काम की है कि जो रीजनिंग है उसके दो प्रकार कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है रिसर्च में, और मैंने ये भी बोला था कि लॉजिकल रीजनिंग में काम आएगा. मॉड्यूल देख लीजिएगा, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है. पर अब मेरा काम ही है, अगर उसने पढ़ाया तो उसमें भी मैं पढ़ाऊंगी, हो सकता है कुछ बच्चों ने स्किप कर दिया हो, बट पढ़िएगा जरूर, ठीक है. तो डिडक्टिव रीजनिंग पे आते हैं, एंड इसमें मैंने आपको बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बताया था, तो उसको फिर से मैं बताऊंगी, चिंता मत करिए, एकदम आसानी से एकदम याद हो जाएगा. जैसे एसीपी प्रद्युमन कुछ तो गड़बड़ है, मैं लॉजिकल रीजनिंग वाला याद हो गया ना, ये भी याद हो जाएगा. ऐसे ही मैंने भी याद किया था. सो डिडक्टिव रीजनिंग रिक्वायर्स वन टू स्टार्ट विद अ फ्यू जनरल आइडियाज कॉल्ड प्रीमाइसेस,
एंड अप्लाई देम टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन. इसमें क्या होता है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि आप एक जनरल आइडिया से स्टार्ट करते हैं. यू स्टार्ट विद अ जनरल आइडिया कॉल्ड, वो आपके अजम्पशन हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमाइस बोलते हैं. एक जनरल आइडिया होता है, तो आइडियाज को हम क्या भी बोल सकते हैं, प्रिमाइसेस. एंड अप्लाई देम टू अ स्पेसिफिक situation and then you apply them to a specific situation. Now recognized rules, laws, theories and other widely accepted truths are used to prove that a conclusion is right. Now ab aapne koi general idea kiya, then aap ek conclusion pe pahunche, aap ek situation pe hain ya aapne wahan pe kuch bhi lagaya aisa deductive reasoning, to ye jo rules hain, laws hain, theories hain aur other widely accepted truths are used to provide that a conclusion is right. The concept of deductive reasoning is often expressed visually using a funnel that narrows a general idea into a specific conclusion. So basically in deductive reasoning you go from a general approach to bottom approach. आप जनरल से एक पर्टिकुलर अप्रोच में जाते हैं, बॉटम नहीं बोल रही हूँ सॉरी, आप एक जनरल अप्रोच से एक पर्टिकुलर अप्रोच की तरफ जाते हैं. In practice, the most basic form of deductive reasoning is syllogism. There are two premises that share some idea support a conclusion. It may be easier to think of a syllogism as a theorem. If A is equal to B, B is equal to C, if A B के बराबर है और C भी A के बराबर है, तो B जो है वो C के बराबर है. ये कट गया, B और C आपस में बराबर, ये हम बचपन में पढ़ते थे मैथ्स में. तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, आप एक जनरल सा कंसेप्ट लेते हैं, आप एक जनरल आइडिया लेते हैं एंड देन आप उसको एक स्पेसिफिक सिचुएशन में लगाते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लगाते हैं. दैट इज वॉट इज कॉल्ड इज डिडक्टिव रीजनिंग. आप उसको कैसे बैकअप करते हैं, एक रूल से, लॉ से या थ्योरी से, जो वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ्स हैं, आप उसको यूज करते हैं अपने कंक्लूजन को राइट प्रूव करने के लिए. और ये बेसिकली एक फनल होता है, जो जनरल आपका आइडिया होता है, जनरल आइडिया से आप एक स्पेसिफिक, आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आते हैं. तो अगर हम बेसिक एग्जांपल लें डिडक्टिव रीजनिंग का, तो वो सिलॉग का होगा, जहां पे दो प्रेमाइसेस होती है जो शेयर सम आइडिया सपोर्ट अ कंक्लूजन. वेयर टू प्रेमाइसेस दैट शेयर सम आइडिया सपोर्ट अ कंक्लूजन. दो प्रेमाइस एक आइडिया को जो है सपोर्ट करती कंक्लूजन के थ्रू. अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया है तो मैं आपको बताती हूँ. देखिए डिडक्टिव रीजनिंग आपके डी से क्या होगा, डिडक्टिव. अगर आपको डिडक्टिव रीजनिंग याद करने की क्या होता है, तो यू हैव टू रिमेंबर डी जी पी. डी फॉर डिडक्टिव, G for general and P for particular. Now DGP क्या है, आपने पोस्ट सुनी होगी, एक पुलिस में एक पोस्ट होती है DGP की, ठीक है, वहां से मैंने इसको ले आया है DGP. तो वो मुझे को याद हो गया, क्योंकि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग आपस में बहुत उल्टी है, आपस में अपोजिट हैं बेसिकली, एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं, तो कंफ्यूज होते जनरल पर्टिकुलर को, पर्टिकुलर टू जनरल क्या होगा क्या होगा, भूल जाते हैं. तो मैंने क्या किया, मैंने एक इसका एक्रोनिम बना लिया DGP. तो मुझे याद हो गया डी फॉर डिडक्टिव, जी फॉर जनरल एंड पी फॉर पर्टिकुलर. मीन्स डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, एंड जब हम इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव रीजनिंग में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं IPG. तो जो भी आपको याद हो गया, मुझे तो DGP याद हो गया. तो यहाँ पे आई से इंडक्टिव, पी से पर्टिकुलर, जी से जनरल. इंडक्टिव रीजनिंग में हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं. ये पता चल गया कि हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ डिडक्टिव रीजनिंग में जाते हैं. अब हम क्वेश्चंस में आते हैं. डिडक्टिव रीजनिंग इन थ्योरी क्या है, आपका एक जनरल आइडिया है, आपके पास एक आइडिया है एंड उसका आप एक स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, तो उसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं. बोला ना जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक दोनों मीन्स द सेम. तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर से याद कर दिया, इसलिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर बोल रही हूँ एंड आई थिंक दैट इज मोर एप्ट. सो DGP डिडक्टिव जब आपकी रीजनिंग आएगी तो वो जनरल से पर्टिकुलर होगी. अगर हम जैसे कि ए इज बी, सी इज ए, देयरफॉर बी इज सी. अगर ए बी है और सी ए है, तो यहाँ पे क्या है, टू प्रेमाइस दैट शेयर सम आइडिया सपोर्ट अ कंक्लूजन. दो प्रेमाइस है जो एक आइडिया शेयर करते हैं, वो कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं. अब प्रैक्टिस, ऑल मसल्स आर मेड आउट ऑफ अ लिविंग टिश्यू. All humans have muscles. Therefore, all humans are made up of living tissues. क्या है? All muscles are made up of living tissue. ठीक है? All humans have muscles. अगर हम इसकी बात करें कि इसको आप सिलॉग के फॉर्म में कैसे करते हैं, इसको सिलॉग के फॉर्म में ऐसे करते हैं. यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखे, मैं इधर दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरा फोटो आ रहा होगा, मेरा वीडियो आ रहा होगा. देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पहले हम इस पे आएंगे, क्योंकि ये जो है ये कंटेन करता है. देखो
मैं बता रही हूं, ऑल ह्यूमंस हैव मसल्स. तो हम क्या करेंगे, ऑल, हम यहाँ पे एच बना लेंगे, इसको सिलॉग बोलते हैं. ऑल ह्यूमंस, जब ऑल होता है ना तो हम बाहर बना लेते हैं. ऑल ह्यूमंस हैव मसल्स, हर ह्यूमन के पास क्या है, मसल है. समझ में आया, हर ह्यूमन के पास मसल्स है. और ऑल मसल्स आर मेड आउट ऑफ लिविंग टिश्यू, ऑल मसल्स आर मेड आउट ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू, हर मसल्स लिविंग टिश्यू पे है. तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऑल ह्यूमंस आर मेड आउट ऑफ लिविंग टिश्यू, ऑल ह्यूमंस आर मेड ऑफ लिविंग टिश्यू. क्या होगा, ऑल ह्यूमंस जो है वो क्या है, जो हमारा ह्यूमन है, जो हमारा ह्यूमन है वो लिविंग टिश्यू का बना है. क्यों, क्योंकि ह्यूमन जो है वो लिविंग टिश्यू के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है. समझ में आया आपको, आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं. हमने सिलॉग में क्या बनाया, जब हम ऑल की बात करते हैं, ये हम अभी आगे आपको प्रपोजिशन में बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, जब ऑल एन और वी वाले हम बताएंगे, प्रपोजिशन के बारे में बताएंगे. बट तभी अभी के लिए, अभी के लिए आप क्या है कि जैसे कि ऑल ह्यूमंस हैव मसल्स, तो ह्यूमंस में ऑल आ गया तो हम क्या करेंगे, बाहर सर्कल बना लेंगे. ऑल ह्यूमंस हैव मसल्स बना लिया, एच अंदर एम बाहर. फिर क्या है, जो मसल्स है वो किसका मेड अप है, मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यूज, तो एल हमने बना लिया. तो क्या ये पॉसिबल है कि ऑल ह्यूमंस हैव, ऑल ह्यूमंस आर मेड आउट ऑफ लिविंग टिश्यू, हाँ, क्योंकि ये एच अंदर है और एल जो है ये बाहर है, तो ये हमारा प्रूफ कर रहा है. तो ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग इन प्रैक्टिस है. ठीक है, अगर हम इसको और यू नो करें, अगर हम इसको और करें, ठीक है, क्या है कि जो सी है, अब सी इज ए, सी जो है वो ए है, ठीक है, सी जो है वो ए है, ए जो है वो बी है, ए ए का पूरा जो है वो बी है. तो देयरफॉर जो बी है वो सी होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी के अंदर सी आ रहा है. कहां, बी के अंदर सी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप एक जनरल आइडिया से पर्टिकुलर आइडिया की तरफ जाते हैं. बी के अंदर सी आ रहा है, देयरफॉर बी इज सी होगा या नहीं होगा, क्योंकि बी के अंदर सी आ रहा है. वैसे ही हमने क्या किया था, फिर से मैं आपको समझा दे रही हूं, फिर से मैं आपको समझा दे रही हूं. जैसे कि हर ह्यूमन के पास मसल है, ठीक है, और हर मसल जो है वो लिविंग टिश्यू का मेड अप ऑफ है. तो ऑल ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू, हाँ, क्योंकि लिविंग टिश्यू के अंदर ह्यूमंस आ रहा है. अगर ये बोला जाता, ये भी बोला गया है कि ऑल लिविंग टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मसल्स, ऑल लिविंग टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मसल्स, ये भी कनेक्ट है. तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो अंदर का सर्कल बाहर के सर्कल से भी रिलेटेड, क्योंकि ये सारा कुछ आपस में इंक्लूडेड है. तो इसको हम सिलॉग बोलते हैं. तो ये डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, इसको डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं, जब आप एक जनरल आइडिया से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आते हैं. हमने क्या किया, हमने ऑल से शुरू किया, तो फिर हम क्या किया, हमने कंक्लूजन पे आ गए, ऑल ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू. तो ये इसका मतलब है. अब देखिए, note that the paragraph states that premises prove the conclusion, not justify it. Deductive reasoning is meant to demonstrate that the conclusion is absolutely true based on the logic of the premises. अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपकी deductive reasoning होती है ना, तो वहाँ पे जो आप premises है, जो आपके assumptions है, वो conclusion को prove कर देते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, कंक्लूजन को वो प्रूफ कर देते हैं. जैसे कि ये जो आपका कंक्लूजन है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई, आप इसको जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं दे सकते. बिकॉज डिडक्टिव रीजनिंग इज मेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली ट्रू बेस्ड ऑन द लॉजिक ऑफ द प्रेमाइसेस. तो ये यू नो लॉजिक जो आपने प्रेमाइस में आपने लगाया है, जो भी लॉजिक है उसके बेसिस पर जो है कंक्लूजन ट्रू है. तो यहाँ पर आप कंक्लूजन को प्रूव करते हैं, बट इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, हर मसल जो है वो लिविंग टिश्यू से क्यों बना हुआ है, सी जो है वो ए क्यों है, ए जो है वो बी क्यों है, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप बस प्रूव करते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिडक्टिव रीजनिंग में. नाउ अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आ गया यहाँ पर जो मैं सिलॉग बना रही थी. कंपेयर द फॉलोइंग सिलॉजिज्म, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक साउंड, एयरप्लेन्स मेक साउंड, देयरफॉर एयरप्लेन्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स.
अब ऑल आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर, म्यूजिक इज आर्ट, देयरफॉर म्यूजिक इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर. आपके पास दो सिलोजिज्म हमने दिए. द सिलोजिज्म ऑन द लेफ्ट कंटेन्स टू ऑब्जेक्टिवली ट्रू प्रेमाइसेस बट इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स बिकॉज इट इज पॉसिबल फॉर एयरप्लेन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू बी टोटली सेपरेट एंटिटीज व्हाइल स्टिल हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज. द सिलोजिज्म ऑन द राइट टेक्स प्रेमाइसेस दैट ओवरलैप्स एंड यूजेस देम टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू. Although deductive arguments rarely come in the exact form of a syllogism, the same thought process can be used to evaluate their strength and create counter arguments. और आप ऐसे ही और भी बहुत सारे syllogism जो है वो imagine कर सकते हैं, जैसे कि all instruments जो है sound करते हैं, you know, all instrument make sound. तो यहाँ पे you know ऑल instrument जो है, आपके जो instrument हैं वो क्या करते हैं, sound करते हैं, sound बनाते हैं, ठीक है. और एरोप्लेन भी जो है वो साउंड बनाते हैं, तो एरोप्लेन भी क्या है, वो भी साउंड बनाते हैं. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो साउंड है वो कॉमन हो गया. अब आप बात यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, रुकिए मैं एक पिंक येलो ले लेती हूँ, मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखिए क्योंकि जगह थोड़ी सी छोटी पड़ जा रही है ना, कोई बात नहीं. ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेक साउंड, तो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ठीक है वो साउंड बनाते हैं, वो क्या है, वो साउंड बनाते हैं. एरोप्लेन भी जो है वो साउंड बनाते हैं, एरोप्लेन भी जो है वो साउंड करते हैं. तो अब आप यहां पर देखिए, एरोप्लेन भी साउंड करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी साउंड करते हैं. और पीछे हमारा क्या था, और यहाँ पे हमारा इंटर रिलेटेड था, यहाँ पे क्या था, सारे ह्यूमंस के पास मसल्स हैं, ठीक है, और सारे मसल्स, ये इंक्लूसिव था, सारे मसल्स लिविंग टिश्यू से बने हुए हैं, ठीक है. तो ये क्या है, आप अंदर ही अंदर आपका क्या है, ये बन गया डायग्राम, बट यहाँ पे एकदम अलग है. यहाँ पे क्या है, ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड करते हैं, परफेक्ट. और जो एरोप्लेन है वो भी साउंड करता है, वो भी साउंड करता है. तो इसका हम क्या बना सकते हैं, आप एक साउंड को एक बड़े से सर्कल में रख सकते हैं, साउंड को आपने बड़े से सर्कल में रख लिया और उसके अंदर आपने क्या कर लिया आपने साउंड को बड़े में, क्योंकि दोनों ही साउंड बजा रहे हैं, एक में आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख लिया और एक में आपने एरोप्लेन रख दिया और ये आपका साउंड हो गया. जैसे कि ये यहाँ पे एक एरोप्लेन, एक इंस्ट्रूमेंट और थिंग्स दैट मेक साउंड, तो ये आ गया. ये क्या होता है, एरोप्लेन मेक साउंड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी साउंड बजा रहे हैं, देयरफॉर एरोप्लेन एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे क्या है कि टू ऑब्जेक्टिवली ट्रू प्रेमाइसेस, ये और दो ट्रू प्रेमाइसेस है, बट इसका कंक्लूजन जो है वो फॉल्स निकल के आ रहा है, क्योंकि possible for aeroplanes and instruments to be totally separate entities. वो separate entities हो सकती हैं, उनकी same properties हो सकती हैं. मतलब एरोप्लेन अलग है और इंस्ट्रूमेंट अलग है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अलग हो सकते हैं, एरोप्लेन अलग हो सकते हैं, तब भी उनकी सेम प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. पर जैसे कि यहाँ पे कंपेयर करिए कि कैसे आपको रीजनिंग निकालनी है. द सिलोजिज्म ऑन द राइट टेक्स प्रेमाइसेस दैट ओवरलैप. तो यहाँ पे जो प्रेमाइसेस है राइट पे, अब हम इसको देखेंगे फिर से, ठीक है, इसको देखेंगे हम फिर से. ना म्यूजिक जो है एक आर्ट है, क्लियर है, एक म्यूजिक जो है वो आर्ट है. यहाँ पे मैं इनिशियल्स ले रही, मैंने हर बार इनिशियल्स लिए. ऑल आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर. अब यहाँ पे आर्ट जो है, ऑल आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर, और सभी आर्ट जो है इमिटेशन है नेचर की. एम फॉर म्यूजिक, ए फॉर आर्ट एंड एन फॉर नेचर, ठीक है. तो ये क्या है, नेचर है. तो म्यूजिक इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर, तो क्या म्यूजिक नेचर का इमिटेशन है, हाँ है, क्योंकि नेचर के अंदर ही म्यूजिक आ रहा है, तो म्यूजिक नेचर का इमिटेशन हो सकता है. तो यहाँ पे क्या है, पहले म्यूजिक है, म्यूजिक में आर्ट है, और ऑल आर्ट एक इमिटेशन ऑफ नेचर है. तो यहाँ पे दैट ओवरलैप, जहां पे आपके प्रमाइसेस ओवरलैप होंगे वहीं पे आपका कंक्लूजन ट्रू होगा. एंड यूजेस देम टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू. Although deductive arguments rarely come in exact form of a syllogism, तो आप उसको same thought से आप counter arguments को create करने में help कर सकते हैं. और आप ऐसे ही बहुत सारे syllogism जो हैं मैंने mock test वाले section में include किए, वहाँ पे जाके आप practice कर सकते हैं. तो आपको पता चला कि कैसे आपको true और false निकालना है, कि conclusion true है या false है. तो ये हमारा सही हुआ, इसका conclusion हमारा
ट्रू हुआ और ये हमारा गलत हुआ, इसका कंक्लूजन हमारा फॉल्स हुआ, क्योंकि हमारा ओवरलैपिंग सिलॉग नहीं बन पाया, हमारा अलग अलग सिलॉग बना, और यहाँ पर हमारा ओवरलैपिंग सिलॉग बना, तो इसका मतलब हमारा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए, वन सेकेंड, यहाँ पर अगर आप देखिए कि टू प्रेमाइसिस दैट शेयर सम कॉमन आइडिया, दो प्रेमाइसिस जो है जो एक कॉमन आइडिया को सपोर्ट करते हैं, तब वो यू नो एक डिडक्टिव रीजनिंग का जो कंक्लूजन होता है वो ट्रू निकल के आता है। तो यहाँ पर ये कुछ डिडक्टिव रीजनिंग का जो है वो सीन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रू और फॉल्स ये जो है, जब आप पूरा ये पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे तब आपको ये और अच्छे से आएगा। एंड आगे मॉड्यूल्स में मैंने सिलॉग का पूरा एक अलग ही बना के रखा है। यहाँ पे मैं डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जो आपका बेस है वो अच्छे से बन पाए आगे। So, I hope it is clear, ठीक है? और सिलॉग का पूरा अलग एक मॉड्यूल है, उसमें आपको समझाया जाएगा कि ये यू नो कि ये वाले कैसे बनते हैं, और यू नो नन वाले कैसे बनते हैं, एंड देन ऑल वाले कैसे बनते हैं, सम वाले कैसे बनते हैं, सम नॉट वाले कैसे बनते हैं, सब बताया जाएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, यहाँ पे एक खाली ये मॉड्यूल वन है, तो इसमें बस आप अपना बेस बनाने की कोशिश करिए, चीजें क्या है उनसे अवगत होने की कोशिश करिए। ठीक है, नाउ वी कम टू डिडक्टिव रीजनिंग। नाउ इंडक्टिव रीजनिंग अब मैं यहाँ पे आई जी पी, जहां पे इंडक्टिव देखिए ये आप एक्रोनिम लिख दीजिएगा आईजीपी, नहीं सॉरी, वेट गलत बता दे रही हूँ अपने बच्चों को मैं। इंडक्टिव रीजनिंग में हम जाते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, आईपीजे लिखना है, ठीक है, आईपीजे। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन आप यूज करते हैं टू रीच एन ओवरआर्चिंग कंक्लूजन, इट इज अपोजिट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। आप एक स्पेसिफिक, आप एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन चूज करते हैं एंड देन आप उससे एक ब्रॉड कंक्लूजन निकालते हैं। आई होप इट इज क्लियर। So few particular premises create a pattern which gives way to a broad idea that is likely true. यहाँ पर थोड़े से एक particular कुछ premises होते हैं जो pattern create करते हैं, जो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि जो broad idea है वो true है या false है। This is commonly shown as an inverted funnel. यहाँ पे जो funnel है वो inverted हो जाता है, एक pyramid हो जाता है, क्योंकि हम particular से general की तरफ आ रहे हैं, तो ये हमारा ऐसे आ रहा है, फैलता जा रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉड ओवरव्यू, ब्रॉड व्यू होता जा रहा है। एंड उसमें क्या था, डिडक्टिव रीजनिंग में ऐसे क्या था, ऐसे उल्टा था, यहाँ पर ऐसे, क्योंकि हम पर्टिकुलर से जनरल, और यहाँ हम जनरल ऊपर बड़ा है, मतलब जो हमारा वो व्यू पॉइंट है वो बड़ा है, एंड देन हम उस पर पर्टिकुलर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है, there is no equivalent to a syllogism in inductive reasoning, meaning there is a no basic standard format. इसमें कोई standard आपको format नहीं होता। All forms of inductive reasoning though are based on finding a conclusion that is most likely to fit the premises and is used when making predictions, creating generalization and analyzing cause and effect. तो you know इसमें कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, जैसे हमने डिडक्टिव रीजनिंग में देखा था। बट यहाँ पर क्या है, आप कंक्लूजन फाइंड करते हैं जो कि प्रेमाइसेस है, जो कि मोस्ट लाइकली फिट होता है और प्रेडिक्शन बनाने में मदद करता है, जनरलाइजेशन में मदद करता है, क्योंकि हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट को जनरलाइज करने में मदद करता है। अब जैसे कि ये फनल आ गया ना, ये देखो कैसे फनल है, यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ, आपको येलो दिखेगा नहीं। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस हैं आपके एंड देन यू रीच टू अ ब्रॉड कंक्लूजन दैट इज यू रीच फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, आई पी जी। नाउ इंडक्टिव रीजनिंग प्रैक्टिस में क्या है, माय नेबर्स कैट हिसेस एट मी डेली एट द पेट स्टोर, ऑल द कैट्स हिस एट मी, देयरफॉर ऑल कैट्स हेट मी। वाओ, होता है ऐसा कि नहीं? यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज है, यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर चीज है, पर्टिकुलर है कि एक नेबर की कैट, एक पर्टिकुलर कैट जो है वो उस पर हिस करती है डेली। ठीक है, नाउ एट द पेट स्टोर, जब वो पेट स्टोर पे जाता है तो सारी कैट्स उस पर हिस करती हैं, तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि सारी कैट्स शायद मुझसे हेट करती हैं। नाउ यहाँ पे कुछ डेफिनेट नहीं है, यू आर ऑलवेज प्रोबेबल बिकॉज देयर इज नो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एंड डिडक्टिव में यू आर डैम श्योर अबाउट इट बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेट ही कैन जस्ट प्रूव द थिंग्स, यहाँ पे ही जस्ट हैव अ प्रोबेबल कंक्लूजन, मे बी ट्रू मे बी नॉट।
तो क्या किया उसने, नेबर की कैट थी, नेबर की कैट इज अ यू नो जनरल यू नो सॉरी नेबर की कैट की पर्टिकुलर नेबर की बात है, एट द पेट स्टोर एक बिल्ली उसके ऊपर करती है, देन जो पेट स्टोर पे जाता है तो सारी बिल्ली करती, तो ये जनरल हो गया। तो इसमें पर्टिकुलर से जनरल आर की तरफ क्या कंक्लूजन निकाला, सारी कैट्स प्रोबेबली, यहाँ पे ये नहीं बोला कि ऑल कैट्स हेट मी, ऑल कैट्स प्रोबेबली हेट मी, शायद मुझे सारी ही बिल्लियां नफरत करती है तभी वो मेरे ऊपर हिट्स करती है, ऐसी इंडक्टिव रीजनिंग होती है ना। Just as deductive arguments are meant to prove our conclusions, inductive arguments are meant to predict a conclusion. यहाँ पे ध्यान रखिए, deductive जो arguments हैं, they prove something. They are always meant to prove something. Deductive reasoning predict करते हैं conclusion को, जैसे यहाँ पे शायद सारी बिल्लियाँ मेरे से नफरत करती हैं, तो इसमें शायद लगाएं। So in inductive reasoning, you always predict. अच्छा, deductive reasoning पे आता है, आप एक जनरल आइडिया से ब्रॉड, एक ब्रॉड आइडिया से आप छोटू से पे जाते हो ना, तो यू नो यू कैन प्रूव इट, बट इंडक्टिव में आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हो ना, नहीं छोटे से बड़े की, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने डीजीपी एंड आईपीजे वाला पढ़ा था। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, आप एक पर्टिकुलर चीज से यू नो एक बड़े पर्सपेक्टिव पे जा रहे हो, तो वहां पे आप सिर्फ प्रेडिक्ट ही कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? ओके, सो दे डू नॉट क्रिएट अ डेफिनेट पावर आंसर फॉर देयर प्रेमाइसेस, जो उनके अजम्पशंस होते हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, वो एक डेफिनेट आंसर नहीं क्रिएट करते इंडक्टिव रीजनिंग, बट दे ट्राई टू शो दैट द कंक्लूजन इज मोस्ट प्रोबेबल, मतलब मोस्ट प्रोबेबल मतलब शायद हो, एकदम मोस्ट प्रोबेबल कि ये एकदम यू नो पास आता हुआ, एक होता है प्रूफ करना, एक होता है प्रूफ के आसपास घूमना, वो वाला ये देता है। नाउ इन द गिवन एग्जांपल देयर आर सेवरल पॉसिबल फैक्टर्स दैट कुड कंट्रीब्यूट टू अ कैट्स रिएक्शन टुवर्ड्स द आर्ग्यूअर, परहैप्स शी वेयर्स अ डिओडोरेंट दैट कैट्स डिसलाइक, और मे बी शी इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स कैट्स एंड नेग्लेक्टेड टू मेंशन इट। नाउ यहां पर क्या है, उसने बोला कि शायद सारी बिल्लियां मेरे से डरती हैं, तो उसके पीछे कुछ और रीजंस हो सकते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं, कि वो कोई ऐसा जो लड़की है या लड़का है, जो भी आर्ग्यूअर है, वो एक ऐसा डिओडोरेंट लगा के जाती है जो इन जनरल कैट्स को नहीं पसंद है, या फिर वो हॉस्टाइल हो सकती है कैट्स की तरफ, और मतलब उसको खुद भी यू नो एक डर लगता हो, और उसने यू नो मेंशन नहीं किया हो। सो यू नो यू कैन नॉट बी वेरी मच श्योर अबाउट व्हेन इट कम्स टू इंडक्टिव रीजनिंग या उनके आर्ग्यूमेंट्स के साथ, बट कंसीडरिंग नाइदर ऑफ दीज फैक्टर्स आर एक्नॉलेज इन द प्रेमाइसेस, देयर दीज आर नॉट कंसीडर्ड द प्रोबेबल कंक्लूजंस, ऑब्वियसली क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं डिओडोरेंट वाला हॉस्टाइल वाला ये सब प्रेमाइसेस में नहीं दिए हैं, तो ये प्रोबेबल कंक्लूजंस जो है ये नहीं हम कंसिडर कर सकते। सबसे ज्यादा प्रोबेबल कंक्लूजन है गिवन द प्रेमाइसेस that have been supplied, it's that cats hate the arguer. तो जो भी हमें conclusion, जो भी हमें पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जो जो cats हैं, वो जो arguer है, मतलब जो हमें statement बता रहा है कि बिल्ली, वो neighbor की बिल्ली हमें पर नहीं पसंद करती है, और pet store वाली नहीं, जो arguer है, वो ये कह रहा है कि cats उसको hate करती हैं। An inductive argument is either considered weak or strong. Now, inductive arguments is weak or strong based on whether its conclusion is a probable explanation for the premises. आप हमेशा ये कोशिश करिए जानने की जो inductive argument है वो हमेशा weak या strong होते हैं। जैसे कि inductive जो arguments होते हैं, they are either weak or strong. And are either valid, या तो वो valid होंगे, या तो वो एकदम सही होंगे, या वो एकदम invalid होंगे, valid होंगे या तो फिर वो invalid होंगे, कुछ अलग अलग नहीं होता है। Inductive में क्योंकि वो probable होते हैं, तो वो weak हो सकते हैं, strong हो सकते हैं, वो इस पे बेस होता है कि explanation क्या रहा है premises का। I hope it is clear, धीरे धीरे पूरा आपको पूरी यूनिट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज एक ना एक चीज से जुड़ी हुई है, एंड valid, invalid, weak एंड strong हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, नो यहाँ पे आप कंपेयर करिए दो चीजें। The cost of college has been increasing over the past several decades. Therefore, higher taxes on rich are probably the best way to help the middle class America thrive. ये दो deductive ये argument है। The past five Marvel movies have been incredibly successful at the box office. Therefore, the next Marvel movie will probably be successful. Now, these are the two inductive arguments.
तो यहाँ पे हम क्या है, हम एक पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं. वंस अगेन द रीजनिंग ऑन द लेफ्ट इज वीक वाइल द राइट इज स्ट्रॉन्ग. रीजनिंग कहाँ है, लेफ्ट की जो है वो वीक है एंड राइट की स्ट्रॉन्ग है. ऑन द लेफ्ट द टू स्टेटमेंट्स मे बी लाइकली ट्रू ऑन देयर ओन बट द फर्स्ट प्रेमाइज डज नॉट प्रेडिक्ट द सेकेंड टू बी ट्रू. जो दो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट्स मैंने दिए हैं, ये आप यू नो अपने आप में ये अगर आप इसको इंडिविजुअली देखें तो ट्रू हो सकते हैं, बट अगर आप दोनों को आपस में जोड़े एक के बेसिस पे दूसरे को जज करें तो प्रिडिक्शन नहीं करता है कि सेकेंड ट्रू है या नहीं. सी देयर इज नो ऑब्वियस कोरिलेशन बिटवीन द टू, द आर्ग्यूमेंट इज वीक. ऑन द राइट साइड द प्रेमाइस आइडेंटिफाइज अ पैटर्न एंड द कंक्लूजन प्रोवाइड्स अ लॉजिकल कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पैटर्न विदाउट एग्जैजरेशन, दस द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग. तो कैसे आपको पता चले कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है? डिडक्टिव में हम वैलिड और इनवैलिड करते हैं, जैसे कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो एयरप्लेन वाला था वो इनवैलिड था, एंड देन जो बाकी दूसरा कौन सा था, म्यूजिक और आर्ट वाला था, म्यूजिक और आर्ट वाला था, तो वो क्या था कि वो वैलिड था. यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग और वीक देख रहे हैं क्योंकि इंडक्टिव. अभी हम आर्ग्यूमेंट्स पूरा पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, ये तो मैं यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू दे रही हूँ. तो यहाँ पर क्या है कि जो कॉलेज की फीस की बात कर रहे हैं वो पिछले कई सालों से बढ़ती, कई सालों से, कई कई दशकों से बढ़ती चली आ रही है. तो therefore higher taxes on rich are probably the best way to help middle class America thrive. अरे भाई यहाँ पे कॉलेज की बात हो रही है तो यहाँ पे taxes की और middle class की कहाँ से बात होने लगी? दोनों आपस में related नहीं है. तो ये क्या है, ये अगर आप इसको अलग अलग देखें, कॉलेज के cost को अलग argument देखें एंड middle class America जो भी है अलग देखें, तभी शायद सही हो सकते. बट पहला जो है वो दूसरे के ट्रू होने को प्रेडिक्ट नहीं करता है. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अवर वीक आर्ग्यूमेंट. एंड देन यहाँ पे जो हमारा है कि मार्वल मूवीज, यहाँ पे कंटिन्यूएशन है, एक लॉजिक है, एक पैटर्न है. यहाँ पे तो कॉलेज की बात हो रही है, फिर टैक्सेस की बात होने लगी, मिडिल क्लास की बात होने लगी, कोई लॉजिक, कोई कंटिन्यूएशन नहीं है. यहाँ पे मार्वल मूवीज की बात हो रही है कि जो मार्वल मूवीज है, जो 5 मार्वल मूवीज है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई है, तो नेक्स्ट मार्वल मूवी प्रोबेबली सक्सेसफुल होगी. यहाँ पे भी नहीं बोला कि होगी ही होगी, उसने क्या यूज किया, प्रोबेबली यूज किया, प्रोबेबल. तो आप देखेंगे कि एक लॉजिकल कंटिन्यूएशन है पैटर्न का विदाउट एग्जैजरेशन, एकदम एग्जैजरेट नहीं किया है, नॉर्मल सा बताया. तो आर्ग्यूमेंट क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो इसमें आपका आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग. तो ऐसे ही हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं. इसी के बेसिस पे आपको इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स पढ़ाया जाएगा. सो यू हैव एन आइडिया फिर आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो भी बताए जाएंगे. तो बिल्कुल चिंता मत करिए. ठीक है, तो वीक है ये, स्ट्रॉन्ग है, राइट. तो अब ये आपको समझ में आ गया. सो यस, आज के लिए बस इतना ही. एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, एंड मॉक टेस्ट वाले जो सेक्शन है उसमें मैंने अलग से एक बनाया हुआ है जहां पे आप अपनी इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को आप मास्टर कर सकते हैं. तो इसको एक बार और आप, मैं सजेस्ट करूंगी, देखिए अगर आपके लिए नया है, एंड देन मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाके अच्छे से उसको प्रैक्टिस करिए. तो आपको यहाँ पे एकदम सॉलिड, एकदम अच्छा बेस बन जाएगा, एंड आगे पूरा लॉजिकल यू नो यूनिट कवर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगी. ठीक है, तो वो आप करिए, मुझे बताइए अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो मैं उसको आपके लिए सॉल्व करूंगी. कोई भी आपको कंफ्यूजन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. या सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जस्ट स्माइल बिकॉज यू कंप्लीटेड मॉड्यूल 1 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. एक सीढ़ी पार हो गई, ऐसे सारी सीढ़ियां पार कर लेंगे. ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. बाय, नमस्ते.